ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की चौथी कड़ी में अर्थशास्त्र विषय पर चर्चा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर मल्लिका कुमार। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 MHz यानी कि कार्यक्रम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिससे परीक्षार्थी हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछते हैं या फिर ईमेल करते हैं अपनी जिज्ञासा किसी विशेष सब्जेक्ट पर। पिछला अंक था भूगोल का यानी ज्योग्राफी का और आज का विषय है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। पहले की तरह ही हमें बहुत ज्यादा संख्या में सवाल आए हैं और सभी को लेना संभव तो नहीं, लेकिन सिलेक्टेड सवालों को हमने इस कार्यक्रम में लिया है और आपकी जिज्ञासा को विराम देंगी हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर मल्लिका, जो SRCC यानी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर है कॉमर्स की और साथ ही वो कोऑर्डिनेटर हैं ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम की। हम सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहेंगे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार, थैंक यू विनीता जी। मैं धन्यवाद देती हूँ ऑल इंडिया रेडियो का, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इतना अच्छा कार्यक्रम अभ्यास हमारे युवाओं के लिए आप कर रहे हैं। मैम, हमारे पास सवालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, हमारे जो श्रोता है ना वो इंतजार करते हैं। एक सेगमेंट होता है एक्सप्लेनर सेगमेंट का, तो पहले हम उस सेगमेंट को सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपने दोस्तों से मुखातिब होंगे। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन BOP की गंभीर समस्या के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही है। इसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से समाप्त होता जा रहा है। आवश्यक उपभोग की वस्तुएं आयात करना कठिन से कठिनतर होता जा रहा है और देश अपने पिछले ऋण चुका पाने में भी असमर्थ हो गया है। इस संदर्भ में हम ये समझने की कोशिश करें कि भुगतान संतुलन है क्या। किसी भी देश का भुगतान संतुलन यानी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन या BOP भी कहा जाता है, एक अवधि विशेष में उस देश में आने वाली समग्र मुद्रा और वहां से विश्व के अन्य भागों को जाने वाली मुद्रा के बीच का अंतर है। बुनियादी तौर पर यह अवधि विशेष के दौरान किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच हुए कुल मौद्रिक लेनदेन को दर्ज करता है। व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी निकायों द्वारा किए गए इन वित्तीय लेनदेन से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से मिलने वाली प्राप्तियों और किए गए भुगतानों की तुलना होती है। जब BOP में सभी घटक सही ढंग से शामिल किए जाते हैं तो उत्तम स्थिति में इसे शून्य होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि मुद्रा का इनफ्लो और आउटफ्लो यानी अंतर्गमन और बहिर्गमन संतुलित होना चाहिए। हालांकि अधिकांश स्थितियों में ये आदर्श रूप से संभव नहीं होता। किसी देश का BOP ये बतलाता है कि उस देश में कोष का आधिक्य है या घाटा। जैसे जब किसी देश का निर्यात आयात से अधिक होता है तो उसका BOP बतलाता है कि देश में निर्यात से अधिक आयात हुआ है। BOP आधिक्य की स्थिति में देश के केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और घाटे की स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। BOP संकट जो मुद्रा संकट भी कहलाता है, उस समय होता है जब देश अपने आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने में या बाहरी ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे में उस देश की मुद्रा के मूल्य में तेजी से गिरावट आने लगती है। अपनी करेंसी के मूल्य में और अधिक गिरावट को रोकने के लिए आमतौर पर केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, लेकिन इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में और अधिक मंदी आती है। कम आय स्तर वाले देशों के इस प्रकार के संकट की चपेट में आने की आशंका अधिक होती है। देशों के लिए अपने वार्षिक भुगतान संतुलन के जरिए समय समय पर अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना और प्रभावी मौद्रिक नीति तय करना आवश्यक है। अभी हमने नजर डाली अपने पड़ोसी देशों के इकोनॉमिक कंडीशंस, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि किन कारणों से हमारे जो ये नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके आर्थिक समस्या किस तरह से उत्पन्न हो गई है। अगर हम आर्थिक स्थिति से शुरू करें, उसका मतलब है आपकी स्थिति जो पैसे की तथा जीवन यापन करने के जो संसाधन है उनसे मतलब हो। आर्थिक स्थिति अगर हम अपने पड़ोसी देश से पहले ग्लोबली देखें, तो जो ये पैंडेमिक अभी हुआ है उसने सभी देशों की आर्थिक स्थिति को अफेक्ट करा है। रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है।
और हम पड़ोसी देश में आने से पहले एक ग्लोबल अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो ये जो दो कंट्रीज हैं जिनमें इस समय कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन, दे आर ब्रेड बास्केट्स फॉर द वर्ल्ड एंड अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ द ग्लोबल वीट, जिसके कारण इंटरनेशनल प्राइसेस प्राइमरी प्रोडक्ट्स के उन पे बहुत फर्क पड़ा है, स्पेशली एनर्जी एंड फूड। इसमें हमने देखा है एक ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट आया है। अब अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो पड़ोसी देशों में आर्थिक समस्याएं तो उत्पन्न हो रखी हैं और उनके बहुत से कारण हैं। जैसे पाकिस्तान अगर हम लें, वहां पे ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया है, आयात बढ़ गया है और निर्यात कम हो रहा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या, राजनीतिक संकट और एक अनिश्चितता, जिनके कारण वहां पे समस्याएं हैं। श्रीलंका में अगर हम देखें तो विदेशी कर्ज में बढ़ोतरी है, विदेशी मुद्रा रिजर्व में कमी, मुद्रा विनिमय दर गिरावट है और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, इन सब कारणों से हम वहां देख रहे हैं कि आर्थिक समस्याएं हैं। और इन वेरी ब्रीफ चार चीजें हम कह सकते हैं, COVID-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आपूर्ति की बाधाएं और वैश्विक मुद्रास्फीति, ये समस्याएं हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा अगला सवाल है संजय रजत। मेरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्पेशली अर्थशास्त्र में जो इंटरेस्ट रखते हैं तो वो जरूर जानना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में क्या अंतर है। जी देखिए, अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था के बीच जो संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्र में सिद्धांतों को अपनाने की बात की तस्वीर उसको दिखाता है। सो अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अपने देश हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, रूसी अर्थव्यवस्था क्या है, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था क्या है। हम ये कह सकते हैं टू सिंप्लीफाई इट कि जैसे किसी देश, किसी क्षेत्र, किसी ब्लॉक का नाम जब हम अर्थशास्त्र से जोड़ देते हैं तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था हो जाती है। सो अर्थशास्त्र अध्ययन का क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था निष्पादन एग्जीक्यूशन की भूमिका निभाता है। टू पुट इट ब्रीफली, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल था और मेरा ख्याल है हमारा भी पूरा जो क्यूरियोसिटी था यहाँ पे खत्म हुआ है इस बात पर। लेकिन अगला सवाल जो है वो पटना बिहार से है और वो पूछते हैं। माय नेम इज सत्यम कुमार। माय क्वेश्चन टू एक्सपर्ट पैनल इज दैट हाउ कैन वी अप्लाई बेसिक इकोनॉमिक नॉलेज इन डेली लाइफ यूज, इन विच मैनर इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इधर फॉर रूरल विलेजर्स और बिजनेसमैन ऑफ सिटीज। वंडरफुल क्वेश्चन सत्यम। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इनफैक्ट दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क माई स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इसको अप्लाई कहाँ करते हो, कहीं आसपास इकोनॉमिक्स दिखती है आपको? तो इकोनॉमिक्स तो एक्चुअली जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि जीवन का मतलब है जीवन में इच्छाएं होना। एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स इज वॉन्ट्स, इच्छाएं। और इच्छाएं आप सबको पता है अनलिमिटेड होती हैं, बट इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के जो रिसोर्सेस और साधन है वो लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स तो आपके लाइफ में वहीं पे आ गई जब आपने अपनी वॉन्ट बताई, आपने कहा मुझे ये चीज चाहिए, मतलब इकोनॉमिक्स है। आप अपनी प्रेफरेंस बता रहे हो तो आपके पास साधन कम है, अब इच्छाएं ज्यादा है, उनको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, वहाँ आप इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हो। दैट इज यू मेक अ चॉइस। जैसे टाइम इज अ लिमिटेड कंस्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बहुत लिमिटेड है, तो वो आपके पास चॉइस है कि मैं उसको पढ़ाई करूँ, पिक्चर देखूँ, बाजार जाऊँ, कहाँ इस्तेमाल करूँ। आप क्या करेंगे? आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ आपको रिटर्न सबसे अच्छा मिलेगा। एंड इकोनॉमिक्स इज अबाउट द ऑप्टिमल आउटकम, किससे हमें सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। आप सुबह जब स्कूल जाते हैं तो आप डिसाइड करना होता है मैं ऑटो लूं, बस लूं, रिक्शा लूं, तो रिसोर्सेज क्या है? टाइम कम है तो आप जल्दी वाला ले लेंगे, वहाँ आप इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं। बाजार में आप देखते हैं कुछ चीजों का मूल्य बढ़ता जा रहा है, बहुत हाई है, क्यों है? फॉर इंस्टेंस कोविड हुआ तो आपने देखा मास्क बहुत एक्सपेंसिव थे,
सैनिटाइजर्स एक्सपेंसिव थे, क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा थी। तो डेली लाइफ में भी सी डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, किसी चीज की मांग ज्यादा होगी प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स डेली लाइफ में आप रोज देख रहे हैं, कर रहे हैं। एज स्टूडेंट्स आपके लिए एडवाइस ये है, यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर स्कैर्स रिसोर्स दैट इज टाइम, तो आपके ऑप्टिमम रिजल्ट होंगे। और अब जो अगला सवाल है वो है, नमस्कार, मैं साधना शुक्ला कोड़िया बाजार जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारा आपसे प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में बाजार अर्थव्यवस्था एवं गैर बाजार अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इन प्रणालियों के ऋणात्मक तत्वों पर प्रकाश डालते हुए हमें विस्तार से समझाएं। ओके साधना, आपका क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में बाजार अर्थव्यवस्था और गैर बाजार अर्थव्यवस्था ये क्या है। देखो, बाजार व्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कीमतों के आधार पर होता है, जैसे US में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द मार्केट, और गैर बाजार व्यवस्था में संसाधनों का आवंटन सरकार तय करती है, जैसे चाइना रशिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी। तो मिश्रित व्यवस्था का लाभ ये है, इसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, गरीब वर्ग का ख्याल सरकारी स्कीमों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, यू नो, उनकी कीमतें आसमान को नहीं छू पाती। तो ये तो हुई साधना की बातें, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हमने बहुत सवाल लिए, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं जो कि हमारे एग्जामिनीज जो है उनको थोड़ा सा स्ट्रेस से रिलीव करेगी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मलिका जो SRCC से हैं, और अभी ने बहुत ही प्यारा सा गाना अपने दोस्तों को सुनवाया, लेकिन अब सवालों का ये जो सिलसिला है फिर से शुरू हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, मेरा नाम एकांश है, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुद्रा स्फीति क्या है। हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं अर्थशास्त्र, इट्स मैनेजिंग रिसोर्सेज, और लेडीज ही सबसे ज्यादा देखिए घर मैनेज करती हैं, तो आपके लिए तो जरूर मुद्रास्फीति बहुत इम्पोर्टेंट रेलेवेंट है। राइट, देखो मुद्रास्फीति जानने के लिए पहले हमें जानना होगा मुद्रा की क्रय शक्ति, मतलब जो मनी है, मुद्रा है, उसकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर क्या है। राइट, तो विंटर जी आपने कहा ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें पहले 20 रुपए में 5 किलो आलू आते थे, आज 20 रुपए में आधा किलो आलू आता है, तो 20 रुपए तो वही है,
लेकिन पर उसके द्वारा खरीदे जाने वाली चीज कम हो गई, वस्तु की मात्रा यस कम हो गई और जो मुद्रा से मैं चीज खरीदने वाली कम हो गई, इसको हम कहेंगे मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाना। ओके, एंड दैट इज इन्फ्लेशन एंड दैट इज द स्फीति। मुद्रा स्फीति में क्या होता है, इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ जाते हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, परचेजिंग पावर घट जाती है। क्या ये सही है या खराब है? ठीक है, थोड़ी बहुत मुद्रा स्फीति तो ठीक है, पर जब ये ज्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली जो फिक्स्ड इनकम अर्निंग ग्रुप्स हैं उन पे फर्क पड़ता है। उसका मेन कारण यही है, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, और किसी चीज की अगर कॉस्ट बढ़ गई तो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो मेन इसके यही कारण है। और अब अगला सवाल इला अलवर से, और ये पूछती हैं, रेपो रेट में बढ़ोतरी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? देखो, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो दर है जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है। तो इसका प्रभाव क्या है? देखिए, बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है जी। बैंक के लिए जब उधार लेना महंगा हो गया तो वे उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत बढ़ी हुई दर पर उधार देते हैं, और जैसे जैसे उधार महंगा हो जाता है उधारकर्ता हतोत्साहित हो जाता है और बैंक ऋण की मांग कम हो जाती है जी। तो कम उधार लेने से खपत की मांग कम होती है, जैसे जैसे खपत दैट इज कंजम्पशन की मांग कम होती है, आर्थिक व्यवस्था में हर क्षेत्र में लाभप्रदता प्रभावित होती है। और अगला सवाल है झारखंड के देवघर शहर से, निर्भय कुमार पूछ रहे हैं, मेरा सवाल है कि आज के दौर में जब अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की जा रही है, ठीक इसी समय भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी किन कारकों के कारण दर्ज की जा रही है? निर्भय, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें एक फीलिंग ऑफ प्राइड देता है कि हमारे देश में जब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन आसपास अनसर्टेन है, चाहे वो पड़ोसी देश हो चाहे इवन इन आर इकोनॉमी, ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के कारण जानना आपकी इंक्विजिटिवनेस दिखाता है निर्भय। तो भारत में देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ निवेश हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। तो पिछले अगर हम कई वर्षों से देखें तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण है भारत सरकार काफी महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार कर रही है, जैसे जीएसटी लागू करना, इनकम टैक्स में फेसलेस स्कीम लागू करना, ईज ऑफ डूइंग प्रोसेस को सुधारना, कंपनीज एक्ट, बैंक्रप्सी एक्ट में सुधार, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर लाइक एयर इंडिया, इन सब कारणों से देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। सरकार रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज सेक्टर में काफी फोकस कर रही है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हम अपने दोस्तों को ये भी बता दें कि अभ्यास कार्यक्रम में वो भाग ले सकते हैं, अपने सवाल वो हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 पर, या फिर वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है abhyas.airnews@gmail.com। और सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट और बच गया है, फैक्ट फाइल, तो उसको सुनते हैं फिर मुखातिब होंगे आपसे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य योगाभ्यास के अनेक फायदों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। 21 जून ही वर्ष का वो दिन है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, दक्षिण गोलार्ध में ऐसा 22 दिसंबर को होता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का मसौदा प्रस्ताव रखा था और रिकॉर्ड 175 देशों ने इसका समर्थन किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने सन 1250 के आसपास बनवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर की अनूठी विशेषता ये है कि ये पूरा मंदिर 12 खूबसूरत पहियों के रथ पर बना है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। मोढ़ेरा सूर्य मंदिर को 2014 में विश्व विरासत स्थलों की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मंदिरों की प्राचीनतम ज्ञात संरचना का प्रमाण 3री सदी में मौर्य काल में मिलता है। अहमदाबाद में
सिदी सैयद मस्जिद जाली के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने फतेहपुर सीकरी को 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। फतेहपुर सीकरी के आसपास 93 पुरातत्व स्थल हैं, जिनका संरक्षण और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। बाबर के पौत्र अकबर ने अपना निवास और दरबार 1572 में आगरा से सीकरी स्थानांतरित किया था और 1585 तक यानी 13 वर्ष यही स्थिति बनी रही। वेलकम बैक फ्रेंड्स, फैक्ट फाइल के बाद हाजिर हैं हम अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर मल्लिका के साथ और कुछ एक सवाल जो बच गए हैं अब हम उनको ले लेते हैं। और ये सवाल भेजा है अनीश गुप्ता गोंडा यूपी से। जो अधिकतर गवर्नमेंट्स होती हैं वो सामाजिक कल्याण के लिए चाहती हैं कि घाटी की बजट लगे या घाटी की बजट लगाती हैं, और FRBM एक्ट इसके बिल्कुल अपोजिट है। FRBM एक्ट घाटी के बजट को कम करने की कोशिश करता है, तो ये एक्ट क्यों लाया गया? और इसी में क्वेश्चन है कि अगर हम सामाजिक कल्याण करना चाहते हैं तो क्या बिना घाटे के बजट से कर सकते हैं कि नहीं? तो अनीश, FRBM पहले पता होना चाहिए क्या है। जी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में ये अधिनियम किया गया था, जिसने सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए थे। ना आपका क्वेश्चन है कि ये क्या जरूरी है? देखो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और फिस्कल डिसिप्लिन तो और भी ज्यादा जरूरी है। तो इसकी जरूरत वही है फॉर फिस्कल डिसिप्लिन। नाउ कमिंग टू दिस, कि बिना घाटे बजट की अगर हम बात करें तो बिना घाटे बजट से अधिकतम कल्याण किया जा सकता है अगर हमारे संसाधनों का उचित और पूर्ण रूप से समाज कल्याण कार्यों पर खर्च संभव हो। संसाधनों के बीच वो जो लीकेजेस हैं अगर वो नहीं होंगी तो डेफिनेटली हमारा जो खर्चा है उसका बेनिफिट सब पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, कभी कभी व्हाट हैपेंस इज देयर आर अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस, जैसे अप्रकृत कारण है, अभी जैसे कोरोना हो गया है, तो इसमें सरकार को अपने आप से अधिक खर्चा करना ही पड़ता है और घाटे का बजट हो जाता है। सो FRBM एक्ट के तहत वित्तीय घाटे को 3% की सीमा में रखना सामान्य स्थिति के लिए प्रावधान है, पर सामान्य स्थिति जब कभी कभी असामान्य हो जाती है, ऐसे में सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो खर्चा है वो सही डायरेक्शन में सही सेगमेंट्स पे जाए, क्योंकि अगर हमने वो नहीं कंट्रोल करा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? मुद्रास्फीति हो सकती है। आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू स्पेंड मनी इन द राइट डायरेक्शन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज। नमस्कार, मेरा नाम स्मृति भाटिया है और मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरा एक सवाल है कि ये न्यू नॉर्मल क्या है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है? ओके, न्यू नॉर्मल क्या है? द नॉर्मल सामान्य स्थिति वो होती है जहाँ हम लोग जनरली मान के चलते हैं कि ये सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज वी से इज नॉर्मल, राइट, सामान्य है। तो एक नया सामान्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक अर्थव्यवस्था, समाज आदि एक संकट के बाद बस जाते हैं और जब उस स्थिति से भिन्न होता है जो संकट की शुरुआत में पहले था। तो एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी, स्टेट ऑफ सोसाइटी जहाँ पे फॉलोइंग अ क्राइसिस, कोई क्राइसिस हुआ और एक नई सिचुएशन आ गई जो पहली सिचुएशन से डिफरेंट थी। अब अगर हम इंडिया में न्यू नॉर्मल की बात करें तो इंडिया में न्यू नॉर्मल क्या है? क्राइसिस क्या आया? वो जो पैंडेमिक था, जो कोविड था, बहुत जिंदगियां बदल दी। जब पैंडेमिक एक वेव गया और वापस एक सिचुएशन आई तो हमने उसको कह दिया न्यू नॉर्मल। वो अलग चीज है कि वो फिर जाता है और फिर आ जाता है और आप हर बार सोचते हैं भाई अब जाके फिर तो नहीं आओगे, राइट? तो अभी अगर हम ये मान लें कि भाई अब ये नहीं आएंगे या माइल्ड रूप में आएंगे, तो न्यू वेज ऑफ वर्किंग क्या रहे? आई थिंक एवरीबडी नोज, अगर हम एजुकेशन फील्ड में आप स्टूडेंट्स और हम टीचर बात करें तो सबसे पहला न्यू वे ऑफ वर्किंग वॉज ऑनलाइन क्लासेस होती थी, और न्यू नॉर्मल में हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, अब रिमोट वर्किंग हो रही है। इनफैक्ट एक स्टडी ने बताया कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन दे प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम, क्योंकि अब हमें आदत पड़ गई ना उस चीज की। सो न्यू नॉर्मल में न्यू वे ऑफ वर्किंग इज द रिमोट वर्किंग। हमारी इकोनॉमी में ये इंडे कैसे इफेक्ट हुए? जब हमें लॉकडाउन करना पड़ा तो देर वॉज अ चॉइस बिटवीन लाइव एंड लाइवलीहुड, इजंट इट, कि हम जान बचाएं या हमारा लाइवलीहुड कैसे होगा उस चीज को चॉइस करें।
तो सरकार कंडीशन को एनालाइज करके लॉकडाउन करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, और ये न्यू नॉर्मल में सबसे बड़ी चीज हम कह सकते हैं देर हैज बीन ओपनिंग ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बाय टेकिंग प्रिकॉशंस, जो रिमोट प्लस फिजिकल वर्क, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हैज बीन डिजिटाइजेशन, तकनीकीकरण और इन्वेस्टमेंट इन दी हेल्थ केयर सेक्टर, नए नॉर्मल में ये चीजें आती। और अब इस सेशन का आखिरी सवाल वो है, मेरा नाम वैशाली है, मेरा सवाल ये है कि इकोनॉमिक्स का जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें क्या रोल है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है, लेकिन कुछ एक नाम मैं बता दूं, राजलक्ष्मी ने ओडिशा से पूछा है और साथ ही पीयूष ने पूछा है पुणे से, सिमिलर सवाल पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके, नाइस टू हियर दिस क्वेश्चन वैशाली, राजलक्ष्मी, पीयूष, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका आपको ये जानना बहुत जरूरी है, वो सब्जेक्ट में क्या है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और वो आगे कैसे यूज हो सकता है, जिसको हम हमेशा बोलते हैं द व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो इकोनॉमिक्स तो आपको पता है क्या है, अब आपने पूछा ये पढ़कर आगे आप इसमें क्या कर सकते हैं, हाउ कैन यू यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट इन योर लाइफ। तो देखो, आपको जॉब्स मिल सकते हैं, वन ऑप्शन इज जॉब विच कैन बी इन द प्राइवेट सेक्टर, MNCs, इंडियन कंपनी, बैंक, कंसल्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ के आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट में डेफिनेटली डिफरेंट कम्पेटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं, जहाँ इकोनॉमिक्स आपको बहुत हेल्प करेगा। एकेडमिक्स में आपको जाना है तो रिसर्च एंड एकेडमिया यू कैन डिसाइड, वो आपको लेना है। सबसे जरूरी आई वुड से स्पेशली आज के यूथ के लिए स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ इकोनॉमिक्स आपको बहुत हेल्प करता है। और कम्पेटेटिव एग्जाम्स में आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, आई वुड से ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स, आर्टिकल्स पढ़िए पेपर्स में जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स पढ़िए लीडिंग इकोनॉमिस्ट के इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज में, और कम्पेटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए पुराने पिछले साल के कम्पेटेटिव एग्जाम्स को जरूर देखिए, उससे आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा। बहुत खूब, और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ गए। मैम, इस कार्यक्रम की एक और परंपरा है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो एक्सपर्ट है ना, वो लिसनर से सवाल पूछते हैं। छोटा सा सवाल अब हम पूछेंगे और सही जवाब देने वाले को हम भेजेंगे ई सर्टिफिकेट। तो पिछली बार जो ज्योग्राफी में सवाल पूछा गया था, उसका सही जवाब दिया मनस्वनी मोहंती ने, बहुत बहुत मुबारक आपको मनस्वनी। और अब आज का सवाल डॉक्टर मलिका से। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के सवाल सुनकर, और आई एम श्योर बच्चों को भी अच्छा लगा होगा उनके उत्तर पाकर। सो माई क्वेश्चन टू देम इज, From the questions that you asked today, what did you learn about economics? आज जो आपने प्रश्न पूछे और आपको जो उनसे उत्तर मिले, तो उसमें अगर आपको कहा जाए एक समरी दे दीजिए, क्या what is the most important takeaway? Takeaway आज के इतने बढ़िया अभ्यास कार्यक्रम विनीता जी ने जो इतने अच्छे अच्छे आपके वाले प्रश्न हमें दिए, तो उसका takeaway क्या है? What is the takeaway? Can you please share that? विनीता जी, सबसे अच्छे टेक अवे को आप प्राइज आई एम श्योर देंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, प्रोग्राम अभ्यास एआईआर न्यूज की एक ऐसी प्रस्तुति है जिसमें आप लोगों से बहुत बहुत ज्यादा असीम प्यार मिला। आप हमें अपने फीडबैक से अवगत कराएं और इस कार्यक्रम में आपको क्या उम्मीद और है ये हमें बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 और ईमेल आईडी abhyas.aiarnews@gmail.com है। अगले एपिसोड का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल 27 अप्रैल तक हमें मिल जाने चाहिए। और अब मुझे यानी विनीता को और हमारी एक्सपर्ट मलिका को दे इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की चौथी कड़ी में अर्थशास्त्र विषय पर चर्चा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर मल्लिका कुमार। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।